फिर आती है बारी। नैन्सी दीदी करधन बोल रही है, हम लोग कमरबंद बोलते हैं। के अलावा नैन्सी दीदी कुछ और निकाल रही है अपने खजाने से, सारे गिफ्ट को इकट्ठा करके, और सोच रहे हैं कि जितना भी गिफ्ट है आपको दिखा दे, तो जन्मदिन के अवसर पर क्या क्या गिफ्ट मिला है, बाकी लोगों से क्या क्या मिला हुआ है। दिया गिफ्ट को अनबॉक्स किया जाए नैन्सी दीदी। इन दोनों का लड़ाई हो चुका है, देख सकते क्रियांश कितना बदमाश, मन करता है एक लगाए दूंगा भैया के, छीन लेते हो लो। नहीं दोनों छीन के हाथ में खड़ा था ये। घुटना पड़ी रही से खड़ा साफ। हम आ गए हैं जी बालकनी में, और यहाँ पर थोड़ा सा धूप लेने के लिए, कि अंदर जो है थोड़ी सी ठंड लग रही थी, और यहाँ भी धूप अभी प्रॉपर आया है नहीं, तो सोच रहे हैं कि छत के ऊपर चले जाए, वहाँ तो प्रॉपर धूप आएगा। और यहाँ का पार्क में दिक्कत क्या है कि धूप आती है नहीं, चारों तरफ से बिल्डिंग है, और वह बिल्डिंग का जो शेड है उस वजह से जो है पार्क में धूप नहीं आ पाती है। तो चलते हैं छत के ऊपर और जा करके धूप का आनंद लेते हैं। दादी अच्छा, दादी की अलग महत्व, दादी है अच्छा, झूला कम नहीं है, दादी कोड़ा ही बेहतर है ना बाबू। सो गया है बाबू को सुलाने का ट्रिक पकड़ लिए 3 दिन से। अच्छा सो जाता है, बढ़िया है, मेरा मेहनत थोड़ा कम हुआ। तुम्हारा मेहनत अब कम हो गया क्योंकि हम दादी हैं। दीदी के गाना पर दीदी गाती है गाना, सो जाता है, वही गाना हम गाए, हम देखे ये सो रहा है, अब इसको वो गाना गाते सो जाता है। भगवान का भजन भी हो जाता है। सुनो लेकिन इसके ऊपर कोई ट्रिक काम नहीं देता, नहीं, उसका नहीं, उसका अपने ट्रिक रहता है। तो सारे बच्चे सो गए जी, हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है, और अब जो है कुछ खास बनने की तैयारी है, तो कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पीछे देख सकते हैं छोला है, और कुछ ही देर में जो है भटूरा भी बनना शुरू हो जाएगा। आलू जो सबको पसंद है। अच्छा छोला भटूरा रायता आलू जीरा आलू। अच्छा जीरा आलू। आलू तो उबाल के थोड़े ना दिया जाए। अच्छा जीरा आलू वही बनेगा कि एक बार हमको मेहरौली ले गई थी जीरा आलू खाने के लिए, हम भी बड़ी शौक से गए थे जीरा आलू खाएंगे कोई नया तरीके का, जब वहाँ गए तो हमको लगा वही हमको इससे अच्छा घर में बना देते। नहीं तुम वो बात बोलो जो तुम बोली थी। क्या मम्मी क्या बोली थी, यह मंगेली इतने मंगा कहते तुम घर में बनाते थे। बाबू का कल बहुत देर हो गया इन लोग को मार्केट में, बस केक कट पाया, आज ना बाबू का खाना पीना जो है नेक्स्ट डे होगा, होगा तो आज होगा सब कुछ। तो हमारा क्रियांश जो है पार्टी शुरू होने से पहले सेंटा बन गया है, लिटिल सेंटा, लिटिल सेंटा, ये देखो ओए होए, इसका थैली भी देखिए, थैली में लिखा हुआ है क्रियांश, लेके आया ही नहीं है सेंटा, कुछ लेके जाते गिफ्ट, कुछ गिफ्ट निकाल के देगा, लेते हैं सभी लोग गिफ्ट तुमसे। ये सेंटा सुन नहीं रहा है गिफ्ट के नाम पे, देखो सेंटा इधर देखो, कोई नहीं देखेगा तुम लोग गिफ्ट मांग रहे हो। वाह वाह वाह, जब उसको मिला है चॉकलेट, और ये देखिए एकदम दौड़ पर है बेचारे को, लेकिन दांत है नहीं तो चबा पाएगा। वही क्रियान अच्छा, उसके लिए भी खोला जा रहा है, देखते हैं गति कैसे खाता है। अरे वही वही पूरा मुंह में डाल लिया वो, चलिए लो लॉलीपॉप खा रहे पूरा मुंह ऑरेंज। इधर हमारा भटूरा बन रहा है, सबसे एंट्री गया गति की तरफ अपना गाना सुन रहा है। वाह पूरा फूल गया, आज बदमाशी नहीं किया था वो, शांत है एकदम, कौन ये शांत है, अरे बाप ये शांत नहीं है। मम्मी से पूछो ये बच्चा ले लो शांत बच्चा, भैया बैठिए अभी खा लीजिए शांत में, आ जा कोई क्रिया, अब मैं कुछ बोलता हूं। ये हमारा खाना लग गया है जी, गरम गरम भटूरे उधर छोला, और इधर क्रियांश भी चाह रहे हैं कुछ लिया जाए। हाँ कुछ लिया जाए, सोनम का कौन ओए ओए
अपना पूरा कोशिश लगा। एक क्रियांश क्या कर रहे हो, खाने दो ना प्लीज। सारी लाख भागल पीछे आप पकड़ लेते आप जाओ झूले में बैठ के निन्ना कर लो। गन्नू वाले झूले में बैठ जाओ। आप भी आ जाओ भाभी। आज चल चल घूमना है, घूमना है बस। आ जाओ भैया बैठा दी। आज तो बैठेगा। आ जाओ ना अभी। हाँ अरे वो जरा बटरी को ना हम दे देंगे, आप बैठिए। अच्छा अच्छा बैठ जाओ। बाबू आ जाओ, चलो आ जाओ। किसी की चलते का नहीं हो फोन भी करा हम फोन लेना चले, निकलते का नहीं हो। बाय बाय ओके ना बुकी इधर जबरदस्ती भी नहीं आ रहा ना वो देखे। ए बुकी चलिया, ए बुकी ये तो चला चल क्या जबरदस्ती अब इनके ऊपर गुस्सा कर रहा है कि चल का नहीं रहा है। बाय बाय बाई। चलो बाई को बाई कर दो। इस नन्हे से बच्चे में इतनी ज्यादती हो रही है, उसको पेंट उल्टा पहनाएंगे मम्मी। डांस कैसा काम क्यों करती है, सॉक्स को भी हाथ में पहनाती है। एकदम उल्टा है। बाय बाय गतिक जी, बाय। सभी लोग अभी खांस रहे थे कुछ देर पहले तक। हो गया है तो ये बच्चे इतना रो रहे थे कि सबको लगा कि नजर लगा है नजर उतारा गया तो ऐसा नजर सबको खांसी हो गया है। मतलब किसी को नजर नहीं, किसी को नजर नहीं लगा है, नजर बस खाली झांस लगा है। तभी बज रहे हैं जी रात के 10 और हमारा खाना जो है लग चुका है। तो दिन में ही जो हम लोग खाए थे छोला, वो छोला अच्छा है कि बचा हुआ है, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा था। हमको खाने का भी मन था, रात में रोटी के साथ खा लेंगे और साथ में रायता भी अच्छा ही है। तुमको जीरा आलू अच्छा लग रहा है, उग जाओ रोटी आने दो फिर हम बैठते हैं। एक रोटी तुम निपटाओ, दूसरा रोटी हम निपटाएंगे, फिर तीसरा तुम लेना, ऐसे ऐसे करके चलेगा काम। और प्रियांश जो है अपने काम में, क्या मिल गया इसको, हटा दो भाई साहब से बचा करके रखना पड़ता है बहुत कुछ। ओए बेटे, ओए बेटे One hour later. तो यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं जी, सारे गिफ्ट को इकट्ठा करके, और सोच रहे हैं कि जितना भी गिफ्ट है आपको दिखा दे। तो जन्मदिन के अवसर पर क्या क्या गिफ्ट मिला है, बाकी लोगों से क्या क्या मिला हुआ है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की। तो यहाँ पर दिया, गिफ्ट को अनबॉक्स किया जाए। नैन्सी दीदी सबसे पहले कौन सा गिफ्ट दिखाया जाएगा? सबसे पहले ये है कि तुम लोगों ने 300 के वहाँ पे मोनू के यहाँ सेलिब्रेट किया था, तो वो तो यहाँ आ नहीं पाया क्योंकि उसकी पढ़ाई है। बिल्कुल हाँ, तो उसने जो गिफ्ट भेजा है हाँ, वो यहाँ से है। देखो तो शुरुआत किया जाए तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा शू है यार। अच्छा बजेगा भी नहीं, वाह। तो ये फूफू वाला शू है हाँ। और ये कपड़ा जो है ये मोनू ने दिया था बाबू को उसके 7th के वाले और 300 के वाला मिक्स हो जाए। देख सकते हैं जी, बहुत अच्छा लगा, कलर देखेंगे कितना प्यारा।
और मैचिंग करता है शूज इसका, ये देखिए। वाह वाह, मैचिंग शू भी मिला है उसके साथ साथ। तो चलो अच्छा है, तो थैंक यू मोनू और रितु इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। अब आगे दिखाया जाए अगला कौन सा गिफ्ट है। उसके बाद है मम्मी का। अच्छा, तो मम्मी का ने ये शूज और सॉक्स लिया था। अच्छा दादी, हाँ। ये भी मोनू के जैसा ही कलर लग रहा है थोड़ा सा इसका, हाँ। शेड जो इसका है ये। और हाँ। ये टी शर्ट है एक, हाँ। इसका पजामा ये है, एक ये टी शर्ट है और इसका ये बॉटम है। वाह वाह वाह, तो दादी के तरफ से भी भरपूर गिफ्ट मिला है। तो थैंक यू मम्मी को। और ये है क्रियांश के तरफ से, हम बोल देते हैं थैंक यू दादी। थैंक यू थैंक यू। ये दिया, अच्छा ये अमित भाई और किट्टो जी के द्वारा दिया गया है। अच्छा है? ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, हम जब भी जाते खरीदने। अच्छा इसमें भी यही आई लव डैडी आई लव मम्मी। देखो ये जो पजामा है ना, ये ना चीक चीक के बोल रहा आई लव मम्मी एंड डैडी। वाह, तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा अमित भाई और किट्टो जी, तो थैंक यू इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। और ये कपड़ा है श्रेयांश की तरफ से। अच्छा श्रेयांश दिया है, वाह वाह वाह। तो अपनी मम्मी से, जो अपनी पॉकेट मनी से दिया है, मम्मी से भी नहीं। अच्छा अंकल का मम्मी से खरीदवाया है। उसको जो सब पैसे देते हैं ना, तो वो अपना पैसा रखता है गिफ्ट देने के लिए। ये दिखाओ, ओहो हो, एक्साइटेड था सबसे दिखाने के लिए। ये देखो ये टू का कॉम्बिनेशन। तो श्रेयांश के तरफ से क्रियांश को बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है। मम्मी है लेकिन पैसे इसके लगे हैं। ओहो आई लव मॉम, ओहो हो, देखिए मजा आ गया। आई लव मॉम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। वाह, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड आई लव यू। वाह, डैड के लिए नहीं है इसमें कुछ लोग। अच्छा मॉम के लिए है इसमें। बड़े भैया बन गए अब आपको लगता है। ओ वो भी फिर दीदी अपने गिफ्ट का कर रही है अनबॉक्सिंग। तो टाइम है विंटर का, तो जब श्रेयांश ने टी शर्ट दिया ही है, तो हमने सोचा कि हम दे देते हैं स्वेटर। वाह वाह वाह, तो ये है हुडी। वाह, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हुडी है यह। ओहो हो हो, वाह। और ये है इसका बॉटम। अच्छा ये भी ब्लू कलर है, जो कि मेरा मन पसंदीदा कलर है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो सबसे पहला पसंद यही आता है, चाहे कपड़ा का क्वालिटी क्या हो, लेकिन हमको सबसे पहले ब्लू कलर पसंद आता है। सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि बच्चा ना गंदा बहुत ज्यादा करता है। हाँ। तो कोशिश यही रहती है कि ऐसा कपड़ा कलर लिया जाए जिससे कि उसकी गंदगी पता न चले। अब बार बार तो चेंज कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो जी हाँ, समझ गए, ब्लू कलर अच्छा है तो ब्लू कलर लेना है आपने। ये ब्लू छोड़ के सब कुछ लेगी। फिर आती है बारी। हाँ। ओहो, क्योंकि नाम है क्रियांश तो कान्हा जी की तरह भाई, फिर करधन तो बनता है ना। तो एनसी दीदी करधन बोल रही है, हम लोग कमर बंद बोलते हैं। हाँ। और बहुत कोई हम लोग और भी कुछ बोलते हैं, डराडोर बोलते हैं, डराडोर भी बोलते हैं हम लोग। ओहो ये देखिए, आपको दीदी पहले दिखाई तो हमको लगा ये पायल है, हमको मिल रहा है। वाह, और इसके अलावा नैन्सी दीदी कुछ और निकाल रही है अपने खजाने से। हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी, वाह 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 वाह। तो देख सकते हैं बुआ की तरफ से कितना प्यारा गिफ्ट मिला हुआ है क्रियांश को। अब क्रियांश जो है वहाँ से शोर मचा रहा था कि हमको भी देखना है, उसको भी ले आया गया है। ये देखो, ओए क्रियांश, ओए तुरंत चाहिए हमको। जिया सोनू की तरफ से इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, और नैन्सी पुनीत की तरफ से ये गिफ्ट मिला है। वाह, हमको लेकर के हम दिन भर परेशान रहते हैं। ये परेशानी में बहुत ही आनंद है। वाह, तो क्रियांश जो है अपना गिफ्ट ले भी चुका है पहले। अब लड़ाई होगी उसके लिए। ओहो, दे दो मुझे, वो दे भी देगा। अब शुरू हुआ, आपको दे देगा, वो दे भी देगा। ऐसा लड़ाई में ज्यादा विश्वास नहीं करता। तो जी यहाँ था क्रियांश के बर्थडे का गिफ्ट का अनबॉक्सिंग, और उम्मीद करते हैं आपको जो भी तोहफा है अच्छा लगा होगा। उठा उठा के दिखा रहा है ये। तो वैसा तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।